तो दोस्तों, अगर आप भी इस टाइम पर 15,000 बजट के अंदर एक पावरफुल फोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे फोन बताने वाला हूं जो आपको इस रेंज में सबसे पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ ये सभी फोन्स आने वाले हैं। एमोलेड की डिस्प्ले मिल जाती है एंड कैमरा तो काफी नेक्स्ट लेवल होने वाला है दोस्तों। गेमिंग के साथ साथ आपको 6000 mAh की मैसिव बैटरी भी पैक करी गई है एंड ये सारी चीजें आपको 15,000 के बजट में मिल जाए तो कैसा लगेगा। सो दोस्तों, ये सभी फोन्स काफी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी हमारी वीडियो आगे और लोगों तक पहुंच पाती है। लिस्ट में बताए गए सभी फोन्स को प्रोसेसर की बेस पे मैंने रैंक किया है एंड काफी ज्यादा ही तगड़े फोन है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फोन है हमारे लिस्ट में 15,000 के बजट के अंदर। सो गाइस, नंबर थर्ड पर जो फोन है वो आता है मोटो की तरफ से, मोटो G64 5G। ये जो फोन है इसको आप ऑलराउंडर फोन भी कह सकते हैं। काफी दमदार परफॉर्मेंस लेके आता है 15,000 के बजट में। कैमरा बैटरी परफॉर्मेंस में बिल्कुल नेक्स्ट लेवल फोन है दोस्तों। बात करें बिल्ड की तो कंप्लीट प्लास्टिक PMMA मटेरियल पे ये बना हुआ है। इस फोन के अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ ये फोन आता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स में देखने को मिलते हैं एंड साथ ही इसमें IP52 की रेटिंग भी दी गई है दोस्तों। ये जो फोन है ये एंड्रॉइड 14 पे आता है, MIUI पे बेस्ड है। इसका जो एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है वो काफी क्लीन है। अलग अलग टाइप के एप्स एंड एड्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। काफी ज्यादा क्लीन UI होने वाला है एंड काफी आपको मजा आने वाला है दोस्तों। बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है 120 हर्ट्ज वाली एंड साथ ही इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। बात करें कैमरा सेटअप की तो डुअल कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आता है। 50+8MP का सेटअप आपको बैक में मिल जाता है एंड 16 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। बैक के अंदर आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन मिलता है। मतलब दोस्तों, अगर आप हिलाते हुए भी इसको यूज करते हैं, फोन को हिलाते हुए भागते हुए भी कुछ शूट कर रहे हो तो भी आपकी जो इमेज है या आपकी वीडियो है वो काफी बढ़िया स्मूथ स्टेबलाइज्ड फुटेज आपको देने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें फोन के सबसे तगड़े स्पेक्स के बारे में, सो वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 7025 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो कि 6 nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इस फोन के अंदर गेमिंग आप बहुत ही अच्छी लेवल पे कर पाएंगे। इस फोन का जो एंटूतु स्कोर है वो अराउंड 5 lakh आता है, यानी कि काफी कैपेबल प्रोसेसर है एंड बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस इस बजट के अंदर में निकाल देता है दोस्तों। अब अगर बात करें इस फोन के बैटरी की तो 6000 mAh की बैटरी इसमें पेयर करी गई है 33W के फास्ट चार्जर के साथ। हालांकि यहाँ पे चार्जिंग करने की स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी बट बैटरी का जो बैकअप है वो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। नॉर्मल यूज में आप अराउंड 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर फोन को बात करें क्या आपको 15,000 में ये फोन लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस है। बेटर कैमरा परफॉर्मेंस इसमें मिल जाता है आपको, क्लीन UI एक्सपीरियंस मिलेगा एंड 15,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। इसका 8+128GB वाला वेरिएंट आप 14999 में बाय कर सकते हैं एंड 12+256GB वाला वेरिएंट आप 15999 में बाय कर सकते हैं। इस फोन का जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके इसको आराम से चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये रहे इस फोन के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स, जिनको देखकर आप अपना चॉइस बना सकते हैं कि क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों बात करें हमारे अगले डिवाइस के बारे में, सो वो होने वाला है वीवो की तरफ से वीवो T3X 5G। ये जो फोन है ये पंच होल डिस्प्ले के साथ ये फोन आता है, हालांकि कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ड पर देखने को मिल जाएगा। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें दिया गया है, हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी इसमें पेयर किए गए हैं। IP64 की रेटिंग के साथ ये फोन एक काफी अच्छी डील बन जाती है 15,000 के अंदर। एंड बेस्ट पार्ट है इस फोन के अंदर आपको वीवो का डायलर मिल जाता है, यानी कि आप चुपके से किसी की भी कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे और सामने वाले को किसी भी तरह का अनाउंसमेंट नहीं जाएगा। ये फोन एंड्रॉइड 13 के साथ आता है एंड काफी कमाल की परफॉर्मेंस निकाल देता है इसकी कमाल की डिस्प्ले के साथ, जो कि 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले होने वाली है। पैंडा ग्लास का प्रोटेक्शन इसमें देखने को मिल जाएगा, कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी बढ़िया है एंड मैं कहूंगा कि अबव द एवरेज इसकी परफॉर्मेंस रहेगी डिस्प्ले के मामले में। एंड बात करें कैमरा की तो डुअल कैमरा सेटअप है 50+2MP एंड 8MP का आपको फ्रंट मिल जाता है। इस फोन के साथ जो बोके सेटअप आता है वो भी बहुत अच्छा है, काफी शार्प इमेजेस यहाँ पे प्रोड्यूस कर देता है। इस फोन के बैक कैमरे से आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे एंड 15,000 के अंदर काफी अच्छी डील होने वाली है। अब बात करें दोस्तों गेमिंग के मामले में, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का पावरफुल एंड दमदार प्रोसेसर लगाया गया है। 5.5 लाख के करीब इसका एंटूतु स्कोर आता है और गेमिंग में ये फोन बहुत ही कम हीट होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहता है, लॉन्ग टर्म गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। इस फोन के अंदर
अंदर आपको 8GB की वर्चुअल रैम मिल जाती है। काफी पावरफुल प्रोसेसर है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है एंड बहुत कैपेबल प्रोसेसर है दोस्तों। इसके अंदर आप 60 FPS में एकदम मक्खन गेमिंग कर पाएंगे दोस्तों, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब गेमिंग की बात हो रही है तो बैटरी की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 6000mAh की मैसिव बैटरी पैक करी गई है 44W के फास्ट चार्जर के साथ एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस फोन का डिस्प्ले के मामले में, बैटरी के मामले में बहुत ही तगड़ा फोन है दोस्तों, एकदम नेक्स्ट लेवल एंड 15000 के अंदर काफी बेस्ट ऑप्शन है जो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके इसको आराम से चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये रहे इस फोन के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स। तो दोस्तों अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक दोस्तों फ्री होता है एंड आप अगर लाइक करेंगे अभी हमारी वीडियो आगे और लोगों तक पहुंच पाती है जो लोग 15000 के आसपास एक अच्छा फोन बाय करने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करें हमारे लिस्ट के टॉप स्मार्टफोन के बारे में, वो होने वाला है रियलमी की तरफ से रियलमी P1 5G। डिस्प्ले ले लो, कैमरा ले लो, परफॉर्मेंस ले लो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल डिवाइस है दोस्तों 15000 के अंदर। बात करें इस फोन के लुक्स की तो बहुत ही प्रीमियम लुक्स के साथ ये फोन आता है, हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, हाइब्रिड सिम स्लॉट, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है, यानी कि छोटे मोटे पानी के छींटों से इस फोन का कुछ नहीं होने वाला। इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 14 मिल जाता है जो कि रियलमी UI 5.0 पे बेस्ड है। बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो एमोलेड की डिस्प्ले मिल जाती है, 120Hz की डिस्प्ले है, ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड जो डिस्प्ले का साइज है वो 6.67 इंचेस की होने वाली है। ओवरऑल गेमिंग में एंड कंटेंट वॉचिंग में बहुत ही तगड़ी डिस्प्ले है दोस्तों, कलर्स आपको काफी प्यारे कलर्स ये डिस्प्ले निकाल देती है एंड उतना ही प्यारा दोस्तों इसका कैमरा है जो कि होने वाला है डुअल कैमरा सेटअप। 50+2MP का कैमरा होने वाला है, 50MP का मेन कैमरा, 2MP का आपको डेप्थ कैमरा मिल जाएगा एंड साथ ही फ्रंट में आपको 15MP का सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। इसके मेन कैमरे से आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा की परफॉर्मेंस अबव द एवरेज रहेगी 15000 के अंदर, इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इस फोन का भी जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बात करें इस फोन के गेमिंग परफॉर्मेंस की तो MediaTek Dimensity 7050 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 600,000 के करीब इसका एंटूतु स्कोर निकलता है दोस्तों एंड 60 FPS मक्खन गेमिंग कर पाएंगे एकदम मस्त वाली, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही 5000mAh की मैसिव बैटरी, 45W का फास्ट चार्जर है, ऑलराउंडर फोन है 15000 के अंदर, बहुत ही बढ़िया फोन है। डिस्प्ले ले लो, बैटरी ले लो, कैमरा ले लो, परफॉर्मेंस ले लो एंड ये रहे इस फोन के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेगी इस फोन को बाय करने में। इस फोन का 6+128GB आपको 15999 में मिल जाएगा, 8+128GB 16999 में मिल जाएगा एंड 8+256GB 18000 के आसपास मिल जाएगा। हालांकि कुछ डिस्काउंट्स लगा के ये फोन आपको 15000 के आसपास ही मिल जाने वाला है। तो दोस्तों अब मैंने अपना काम कर दिया है आपको टॉप 3 बेस्ट गेमिंग फोन्स बताकर, अब आपका काम है नीचे कमेंट करिए और बताइए कि आप कौन सा फोन लेने वाले हैं, क्योंकि जो लोग कंफ्यूज्ड है उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। सो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना।